मेरा नाम ध्रुव है और मैंने यू पी पी एस 22 में DSO पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, और ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। इसके पहले मैंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था और 2019 में एक इंटरव्यू दिया था। इसका थर्ड इंटरव्यू था मेरा, और इस बीच में मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, और UPPCS के लिए भी कर रहा था। और जर्नी में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंस जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है पूरी प्रिपरेशन का, उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन UPSC और UPPCS की जो लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिलिम्स का जो आस्पेक्ट है वो दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। तो आप UPPCS के लिए प्रिलिम्स थोड़ा अलग तरीके से पढ़िए, उसमें प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। लेकिन मेंस के लिए आपको UPSC पैटर्न पे ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं UPSC वाले भी इसमें कम्पीट करते हैं, तो फिर आपको एज नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज़ यदि आप कहीं और से कोई कंटेंट लोगे जो अप टू द मार्क नहीं होगा। साथ में इस बार से अब सिलेबस चेंज हुआ है, दो पेपर जुड़े हैं नए UP स्पेशल वाले, तो कुछ अब थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट GS 1, 2, 3, 4 और बाकी तो ऐसे और हिंदी का तो अलग होता है। यहाँ तो 1, 2, 3, 4 के लिए आपको UPSC लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए मेंस के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।